Hello everyone, welcome at the Rise of Hopes. So learners, I am back here with a new topic, with a new content, and that is adjective table. We all have heard about the adjective, that what are adjective? Adjective are the words which describe about the noun, means the description word. जो describe करते हैं noun को, it adds something more in the meaning of a noun. Noun की quality को जो बताते हैं, सभी को पता है, नहीं पता है तो पता चल गया है अब कि ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होते हैं. बट लर्नर्स, दिक्कत ये है दैट वी नो दैट देयर इज़ नो एनी प्रॉपर पैटर्न फॉर द एडजेक्टिव्स. हम क्या मान लेते हैं कि एक दो वर्ड है, एडजेक्टिव है, कैसे भी इधर से उधर यूज़ किया, बस नाउन की क्वालिटी बतानी. इट्स नॉट ओके. देखना क्या है दैट देयर इज़ अ प्रॉपर पैटर्न फॉर फॉलोइंग, फॉर यूजिंग इट फॉर द नाउन. नाउन से पहले हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं और उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही यूज़ करना होता है. कैंडिडेट्स कई बार दिक्कत कर बैठते हैं, उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्रॉपरली बताओ, 3-4 एडजेक्टिव गिवन होते हैं और वहाँ से एक सीक्वेंस दी जाती है दैट ब्लैक, ब्यूटीफुल, ओके एंड ओल्ड. दीज 3 आर द एडजेक्टिव फॉर एनी कार. एक कार के लिए है और उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज द प्लेस कि कैसे यूज किए जाएंगे. फर्स्ट नंबर का पर क्या है, ब्यूटीफुल है, सेकंड नंबर पर ओल्ड है, थर्ड नंबर पर क्या है, ब्लैक है, 4 नंबर पर कार है. तो आपको कैसे वो सीक्वेंस रिप्लेस करनी है. 4, 3, 2, 1 दिस विल बी पैटर्न, 1, 2, 3, 4 दिस विल बी पैटर्न, 2, 3, 1, 4 दिस विल बी पैटर्न. देन यू हैव टू चूज, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द एडजेक्टिव टेबल that we have to use the adjective in a proper sequence. Then it's the matter of confusion. नहीं confuse होना है, उस confusion को दूर करने के लिए learners, I am here with the adjective table. First of all, learn that what will come first and what comes after first. ध्यान से देखना है. First will come determiners. Determiners are what? Describing words or the words which modify the position of a noun. ठीक है, जो स्पेसिफाई करते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं पोजीशन ऑफ अ नाउन. तो ये भी एक तरह से डिटरमिनर्स भी एक तरह से एडजेक्टिव्स ही होते हैं. सेकेंड वन इज क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन. आप क्वालिटी कह सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग द नाउन एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन यू विल गिव अ क्वालिटी टू द नाउन. ठीक है, सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया डिटरमिनर्स, सेकेंड हो गया क्वालिटी और द ऑब्जर्वेशन. थर्ड है बच्चे फिजिकल डिस्क्रिप्शन. फिजिकल डिस्क्रिप्शन और इसके 4 पॉइंट्स हैं, साइज, शेप, एज, कलर. मीन्स दिस वन इज कंप्लीट वन बट इट हैज़ 4 सब पार्ट. साइज, कोई फिजिकली आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, मोटा है, पतला है, इतनी एज है, कैसा कलर है, वही चीज़ यहाँ पर है. फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, आप पहले साइज बताओगे, ठीक है, लंबा है, छोटा है, फिर उसके शेप बताओगे, ठीक है, कैसा है, गोल मटोल है. उसके बाद आप एज बताओगे, एज कितनी है. उसके बाद आप कलर बताओगे, वाइट है, ठीक है, ग्रेइश है, कैसा है. ओरिजिन, जन्म कहाँ पर हुआ है, पैदा कहाँ पर हुआ है, वो जो नाउन है उसका जन्म कहाँ हुआ. देन मटेरियल, कोई भी नाउन है, जैसे कार है, किस मटेरियल से बनी हुई है, हट है, किस मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है, आपकी रिंग है, वो किस मटेरियल से बनी हुई है. देन नाउन एंड द लास्ट स्टेज इज ऑफ नाउन. लास्ट पॉइंट पर आता है नाउन. चलो कैसे, विद एग्जाम्पल्स वी विल ट्राई टू लर्न दिस टेबल. लर्न करनी पड़ेगी, क्रैम करनी पड़ेगी, बट दिस टाइम आई एम जस्ट मेकिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ ब्यूटीफुल ओल्ड इटालियन कार. क्या है, एक कार है, कार की सारी क्वालिटीज बताई हैं, कार को डिस्क्राइब किया है कि कैसी कार है. फर्स्ट वन ओ, अ इज द, अ एंड and the, these are article determiners. So this one is the article determiner. Beautiful is the quality because you observe that this is very beautiful, so beautiful is the quality. Then आपने क्या देखा, old है, पुरानी है बहुत, ठीक है, means पुराना मॉडल है और इटालियन है, इटली में बनी हुई है और कार है, ठीक है, पुराना मॉडल है means एज ज़्यादा हो चुकी है उसकी. तो आपको यही प्रॉपर पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा. यू कांट चेंज द पोजीशन ऑफ द प्लेस. आप इटालियन को ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल की जगह नहीं ला सकते, आप ब्यूटीफुल को इटालियन की जगह नहीं ला सकते, आप ओल्ड को ए की जगह नहीं ला सकते, ए को आप ओल्ड की जगह नहीं ला सकते. समझ में आ गई बात. मीन्स यू कांट रिप्लेस द एडजेक्टिव वर्ड्स. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. एन इज ऑल्सो एन आर्टिकल डिटरमिनर. एक्सपेंसिव इज द क्वालिटी, आपने ऑब्जर्व की यार बहुत महंगी है ये तो, ठीक है। क्या है महंगी? वॉच। एंटीक, एंटीक मीन्स पुरानी, बहुत पुरानी, प्राचीन है, बहुत सालों पुरानी है। रेड इन कलर एंड देन वॉच। तो ये इनकी सारी क्वालिटीज़ हैं। मीन्स एन एक्सपेंसिव एंटीक रेड वॉच। क्लियर। थर्ड वन, हर शॉर्ट ब्लैक हेयर। हेयर की क्वालिटी बताई जा रही है, कैसे हैं किसी लड़की के हेयर बताए जा रहे हैं। हर इज द पजेसिव, पजेसिव डिटर्मिनर। शॉर्ट, लेंथ ऑफ हेयर, छोटे हैं मेरे की तरह। ब्लैक, ब्लैक है कलर में। और हेयर, तो हेयर की क्वालिटी बताई गई है। देन दोज स्क्वायर वुडन बॉक्सेस। दोज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, स्क्वायर शेप, स्क्वायर ओवल रेक्टेंगुलर, तो ये सारी शेप होती हैं। एज, इसकी क्या एज होगी बॉक्स की, तो फिर किससे बने हुए हैं बॉक्सेस? किससे बने हैं? स्टील से बने हैं, किसी मेटल से बने हैं, वुड से बने हैं, वुडन है, वुड से बने हैं। बॉक्सेस आर द नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल, सेवरल। सेवरल आर द क्वांटिफायर्स नाउन, तो आप साथ साथ डिटर्मिनर्स भी सीख रहे हो। सेवरल क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स, टॉल, लंबे हैं, साइज में लंबे हैं। यंग, जवान है। अमेरिकन, इवोल्यूशन, ओरिजिन कहाँ से है? अमेरिका के हैं। प्लेयर्स, तो ये प्लेयर्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो ये टॉल है। सेवरल है, बहुत सारे हैं। यंग हैं, अमेरिकन है, ठीक है, बूढ़े नहीं हैं, लंबे हैं मेरे की तरह, छोटे नहीं हैं। ओके, दैट ओल्ड लिटिल सीमेंटेड कैबिन। लास्ट देखते हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। देन ओल्ड, ओल्ड यहाँ पर एज नहीं है, ओल्ड यहाँ पर एज नहीं है, ओल्ड यहाँ पर क्या है? क्वालिटी। पुराना है, बहुत पुराना, मीन्स काफ़ी टाइम से बना हुआ है। इट्स नॉट द एज, पुराना है, ठीक है। लिटिल है, छोटा है साइज में। उसके बाद सीमेंटेड, मटेरियल क्या यूज हुआ है एक कैबिन के लिए? ये सीमेंटेड है, वुडन नहीं है, ठीक है, मड से नहीं बना हुआ है। जो कैबिन है वो सीमेंटेड है, सीमेंट से बना हुआ है। सो लर्नर्स जस्ट ट्राई टू लर्न दिस टेबल एंड देयर इज नो एनी चांस टू डिडक्ट द मार्क। आप एक मार्क का लॉस नहीं कर पाओगे, तो आपको ये अच्छे से याद करनी है। फर्स्ट डिटर्मिनर्स यू विल यूज, थर्ड वन क्वालिटी और ऑब्जर्वेशन, देन थर्ड पॉइंट इज फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल के ये चार आपको जो कैटेगराइज किए हैं इनको लर्न करना है। पहले साइज आएगा, फिर से, फिर एज, फिर कलर, फिर ओरिजिन, जन्म कहाँ हुआ है, मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, जो भी नाउन है। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस आप फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कि आपको 4-3-2-1 फॉलो करना है, 1-2-3-4 क्या फॉलो करना है। आई होप कि आपको याद हो चुकी है, टेबल नहीं हुई है तो वन मोर टाइम यू नीड प्रैक्टिस। और जब तक आप प्रैक्टिस करते हो, आई विल प्रिपेयर माई नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू डू प्रैक्टिस एंड ट्राई टू क्रैम इट, लर्न इट। ओके, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। वी विल मीट अगेन, सो टिल देन गिव योर थम्स अप टू माई वीडियो if it is informative to you and share this with your other friend, ताकि उनको भी कोई चांस ना रहे कोई एक मार्क लूज करने का। and the next one is subscribe this channel if you have not, it's your channel. thank you so much.